त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे से मनाइए। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरा नाम है ममता और मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है घी त्यौहार और आज के दिन घी खाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो गिनाल जिसे कहते हो वो बनते हैं कहते हैं। तो घी मतलब जितना भी हो थोड़ा सा भी चखना ज़रूरी है। तो सुबह के बज रहे 8:30, अपनी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी और मैंने नहाना धोना पूजा पाठ सब कर लिया है आज। तो यहाँ पे सानू सो रखी है और मैं बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पे मेरी उबल रही है चाय और सानू अंदर से आके यहाँ पे सो रखी है, ऐसे सोती है ये। सुबह मैंने कहा जल्दी जल्दी उठ के सारा काम निपटा लेती हूँ, बाद में सानू उठ जाती है तो कुछ करने नहीं देती है, इसलिए मैंने पूजा वूजा वगैरह सब कर लिया। तो मैं पी लेती हूँ चाय, ये घर पर नहीं है, सुबह उठ के पता नहीं कहाँ चल देते हैं। तो मैं चाय पी लेती हूँ एक बार, फिर देखते हैं क्या होता है त्यौहार के दिन क्या बनता है। दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर बच गए सानू और सानू ऐसे सो रखी है, ये सोने का स्टाइल ऊपर रख दे रही हूँ, नहीं फिर नीचे आ जा रही है। और मैं बना रही हूँ नाश्ता, नाश्ते में बन रहा है आज आलू के पराठे। इसमें मैंने डाले हैं मेथी और अजवाइन और आलू बॉईल कर रखा है मैंने। और मैंने चटनी के लिए यहाँ पर पुदीना उदीना लेके आई हूँ, अभी बनाऊँगी। अभी सोई है, मिक्सी की आवाज़ सुन के फिर उठ जाएगी। तो यहाँ पर प्याज व्याज काटा है और खट्टे के लिए मैं नींबू डालूँगी। तो मैं बना लेती हूँ नाश्ता, तो मैं बना लेती हूँ नाश्ता। सुबह नहाने के बाद भी पसीना देख सकते हो, फिर गर्मी हो गया, कल धूप लगी थी, आज भी धूप ही आने वाली है शायद, फिर से गर्मी स्टार्ट होने वाली है। ऐसे रखते हैं, 9:30 बजे उठी है ना सानू, तो हरी चटनी के साथ आलू का पराठा बिल्कुल रेडी है। सुबह के बज रहे 10:30, नाश्ता वास्ता करने के बाद हम जा रहे हैं झनकट, क्योंकि मैं तो ना इधर का रही ना उधर का, ना मेरा नाम यहाँ अच्छे से लिखा है और वहाँ से तो काट दिया है, तो खाता ही नहीं खुल रहा है मेरा। खाता के चक्कर में बैंक में दर पदर भटकना पड़ रहा है। तो हम जा रहे हैं अभी झनकट। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, धूप आ रखी है तेज तेज। नाली बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं झनकट और बैंक का भी पहुँचने वाले हैं। ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा और एक सानू चली गई है अंदर को। अब हम पहुँच चुके हैं बैंक में और एक पूछ रही है यहाँ पे। बैठ यार, बड़ी आफत हो गई यार, तीसरी जगह जाने वाले हैं हम अकाउंट अकाउंट के लिए। नहीं खुल रहा, यहाँ भी नहीं खुल रहा है, बड़ौदा में भी नहीं खुल रहा है, झनकट भी नहीं खुल रहा है। अब जा रहे हैं SBI में, तो देखते हैं। फिर से पहुँच चुके हैं SBI में, तो यहाँ पूछते हैं क्या होता है। हम आ गए फिर से SBI में, यहाँ पहले बड़ौदा में गए थे, अब SBI में आ गए। ले गए फिर से वहाँ पर पूछने कि अकाउंट खुलेगा नहीं खुलेगा। ये यार ये जहाँ देखो अभी होते हैं हमारे काम, हाथ अटक जाएगा उधर को, यहाँ से निकाल दो। बहुत तेज धूप लगी है, बड़ी मुश्किल से हमारा आधा पूरा काम हो चुका है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी घर जाना होता है या कहीं जाना होता है। काम हो चुका है, धूप भी बहुत तेज लग चुकी है, तो हम जा रहे हैं घर को। अब थोड़ा सब्जी वब्जी लेते हैं फिर जाते हैं, धूप में। अब हम आ चुके हैं सब्जी लेने के लिए, देखते हैं क्या क्या सब्जी मिलती है। भिंडी तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा दिख रही है। भैया खीरा कितने रुपए किलो है? अब मैंने ले आए 1 किलो खीरा। चलो स्कूटी में डाल लो, ये चप्पल पकड़ लो, चप्पल में पकड़ लूंगी। 12:00 बजे 12:15 हो गए और गर्मी से हालत खराब हो गई। एक बार बना लेते हैं नींबू पानी, फिर काटते हैं बैंगन आलू की सब्जी भात के साथ। गर्मी देखो, गर्मी देखो, बाप रे, शाम के बजे 5:30, अभी इतनी धूप है क्या बताऊं। बाहर देख सकते हैं, यहाँ पे लगाना है पंखा, अभी इतनी धूप है और सारे यहाँ बिल्कुल लेटी आराम से, पंखा ये नीचे है। और मैंने तैयारी कर ली है शाम के खाने की और मैं बना रही रायता और आलू रखे हैं।
देखते हैं आलू की पूरी बनाते। तो यहाँ पे बजने वाले हैं 7 और ये गूंद रहे हैं आटा। मैंने बोला दिन भर घर में नहीं थे, इधर उधर फिर रहे थे, आटा गूंद दो। और मैंने यहाँ पे बना लिए, और मैंने यहाँ पे रायता भी बना लिया है। रायता भी तैयार है हमारा। और तो यहाँ पे मैंने खीर भी चढ़ा दिया है और आलू के गुटके भी बन चुके हैं मेरे। और यहाँ पे पूरी बन गई है और रायता बन गया है। तो मैं एक बार हो गई बहुत ज़्यादा गर्मी, पूरा पसीना से भीग चुकी हूँ, तो हाथ मुँह हाथ में धो लेती हूँ, चेंज वेंज कर लेती हूँ, फिर मैं जलाऊंगी बत्ती और चढ़ाऊंगी। जलाने तक इतनी गर्मी हो चुकी है, बिल्कुल पसीना टपक रहा है। सानू और मैं जा रहे हैं पूरी खिलाने गाय को। तो छोटी गाय नहीं खाएगी अभी, तो चलो बड़ी वाली गाय को देती हूँ मैं। मैंने गाय को दे दिया, लाइट बंद है इसलिए अंधेरा आ रहा है। लाओ जो आ जा फिर, आ छोटी गाय को दे रही है, वो खाएगी ना, अभी खाएगी कहाँ, वो छोटा बच्चा है। ओहो फेंक दिया, चल सारे ने यहाँ पे फेंक दिया, चल अब दे दे, अब रहने दे, अब इसको दे दे, अब इस वाले गाय को दे। यहाँ पे लग गई हमारी त्योहार वाली थाली, पूरी खीर और रायता, आलू और चटनी दिया मैंने कौवे के लिए, गाय को दे दिया, कौवे को सुबह दूंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, इन्होंने तो खा लिया तो मैं भी खा लेती हूँ, और गाय वाय को दे दिया, तो मैं रायता नहीं खाती इसलिए मैं रायता निकाल लूँगी। कोई रैकेट। इसी के साथ आज की ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलती हूँ आपको एक नई ब्लॉग में नई दिन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।